Hello everybody, this is me Anu Jadhar and welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely great. And आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ या जो कारण है वो ये कि मतलब मेरे साथ जो धोखा हुआ है ना, मतलब मेरे को नहीं पता था कि कोविड वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं. एंड आफ्टर आई केम बैक, शॉट लेते वक्त मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं. तो यू नो, आफ्टर आई केम बैक तो बहुत सारा चीज़ें हो गया. इसी बारे में ये वीडियो है एंड मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. सो बिफोर यू टेक द वैक्सीन वॉच दिस वीडियो. तो मैंने जिस दिन वैक्सीन लिया, मैं एक्चुअली डेट भूल गई, 7 तारीख था शायद, 7 या 8, आई डोंट रिमेम्बर. तो मैंने जिस दिन वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेते टाइम मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन बिंदास ले लिया, घर आ गए, 30 मिनट भी बहुत अच्छे से पी दिया, वहाँ पे वो लोग बिठाए रखते हैं 30 मिनट. फिर घर आ गए, घर पहुँच गए, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है. शाम हुआ एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल पेन. तो मेरी ही गलती है दैट मैंने रिसर्च नहीं किया था पहले. तो आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल पेन एंड देन आई टॉक्ड टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु ऑल्सो गॉट द वैक्सीन दैट वेरी सेम डे. तो उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है. तो यही बात मैं फिर से बता दूँ कि मतलब ये चीज़ जो है ये सबके साथ नहीं हो रही है. 90% ऑफ द पीपल आर यू नो आर कम्प्लीटली फाइन, दे डोंट इवन हैव दैट कोविड आर्म. सो दैट टर्म इज कोविड आर्म कि यू नो इधर में मसल सोरनेस हो जाता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, किसी किसी को थोड़ा रेडनेस भी आता है. तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ लाइक यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सिम्टम्स हैपनिंग एंड बुखार आ सकता है. एंड मेरे को तो बुखार आ गया था रात को एंड मैंने और मेरी दीदी ने एक साथ लिया था, दोनों के सेम सिम्टम्स थे. सो आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मैं नेक्स्ट दिन सुबह उठी एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि भाई ये हो क्या रहा है. बिकॉज आई टॉक विद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने दिया था एंड इन सब में से सिर्फ 2 लोगों ने बोला कि उनको बुखार आया था भयंकर. एंड मेरी फैमिली में से भी किसी किसी को बुखार आया था एंड उनको हाथ में दर्द था. बट सर्दी खांसी एंड यू नो पेट दर्द व फलाना दिमकाना जो भी कोविड के सिम्टम्स है ये सब सबको नहीं हो रहे थे. देन ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया कि मतलब सर्दी होने लग गया, खांसी तो थी पहले से, वो और बढ़ गई कि अभी भी नहीं कम रही है एंड अभी थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक है, कोविड नहीं है इतना पता है. तो वही बात है, मेरे को पता नहीं था कि इतना कुछ भयंकर हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड देन आई गॉट टू नो कि क्या क्या सिम्टम्स है. मैं एक एक करके यहाँ पे लिस्ट दे दूंगी. देयर इज कोविड आर्म जो कि आप ये जिस आर्म में आप लेते हो वैक्सीन उस आर्म में सोनेस हो जाएगा, थोड़ा सा टाइटनेस हो जाएगा यहाँ पे और भयंकर दर्द होगा कि आप हाथ उठा नहीं पाओगे, ठीक है. या कोई कोई को नॉर्मल से मीडियम लेवल तक का पेन होता है, किसी किसी को बहुत हार्श पेन होता है, ठीक है. ये हो गया एक सिम्टम, मतलब एक साइड इफेक्ट. दूसरा हो गया कि आपको हाई फीवर आ सकता है, किसी किसी का फ्लक्चुएटिंग फीवर भी होता है, मतलब कभी आता है कभी कमता है, कभी आता है कभी कमता है, ठीक है. सर्दी खांसी हो सकता है, सर्दी एंड खांसी मतलब गोल्डन काफ. देन यू कैन एक्सपीरियंस बॉडी पेन जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है. तो यू कैन एक्सपीरियंस बॉडी पेन मतलब पैर वेर सारे नंब हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक एकदम यू नो कुछ नहीं है पैर में. यू कैन नॉट यू नो यू विल फील एक्सट्रीमली वीक. 6 पॉइंट यू विल फील एक्सट्रीमली वीक. डायरिया हो सकता है. वो बेसिकली जितने भी कोविड सिम्टम्स है वो आप सबको हो सकते हैं. सो आई वेंट टू द वैक्सीनेशन विथ द माइंड सेट कि हर वैक्सीन के बाद कभी कभी बुखार आता है. तो मैं बुखार तक के लिए प्रिपेयर थी कि बुखार आएगा एंड मैं झेल लूँगी, ठीक है. बट द थिंग्स दैट इट केम विथ इज जस्ट वे टू मच एंड मेरे से हैंडल नहीं हो पाया. तो यस, दिस इज द साइड इफेक्ट्स. छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की जितना छोटा हो सके ताकि आप लोग को शेयर करने में आसानी हो, लोगों को समझने में आसानी हो. एंड किसी को और रिसर्च मटेरियल्स चाहिए जो भी मैंने जमा करे हुए हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, अनुजाधर सर्च कर दो, मिल जाएंगे. सो या दैट्स इट
for today's video, and I'll see you in the next one. Bye bye.